ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल। बैनी उप्रेती सिस्टर्स, मैं ज्योति उप्रेती सती और मैं नीरजा उप्रेती प्रणाम कर छू। मैं गाता रहे मेरा हिल 13वां एपिसोड जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तो जब कॉलेज वॉलेज के दिनों में पढ़ते होंगे कहरी डा देते होंगे, फिर वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक सारे लोग, स्पेशली हमारा जो यूथ है वो उसके साथ नहीं जुड़ जाता है ना, हम ये काम अपना जारी रखेंगे। उसके बाद हमने जो अपने लिखे हुए गीत है ना उनसे शायद डायरियां भर गई हैं, वो हम जरूर निकालेंगे और धमाके के साथ निकालेंगे। बुलान में अलग कम है, अरे कुछ और पकड़े पची पची ला रही हूँ कि गुरु से कुछ तो सीखेंगे, कुछ क्या सीखना पड़ेगा। यहीं पे रोक दें इसको। नहीं अरे, जहाँ संगीत के साथ आंसू ना होना, हम G20 में सर्ग तारा जूनियाली रातर रावत जी का गीत गा रहे थे, आधे लोग रो रहे थे। सिस्टर्स का अगर एक मजबूत स्तंभ बोलोगे ना, हाँ। वो अरविंद सती है। चल चल, चल, चल रे पथिक, युग तुझे ही करना है। तो ये हम तीनों का प्रेम है आपस का। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, झारखंड, देहरादून। हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्तर और आनंदम के यूट्यूब चैनल पर। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्तर आरजे काव्य और ये है ओहो रेडियो पे आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। तो ये 13वां एपिसोड जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस एपिसोड में जो आज दोनों लोग आए हुए हैं, पहले इनका आपस में खून का रिश्ता था, अब संगीत का भी है। तो ये दोनों ही कहती हैं कि अगर इनसे मिलना है तो गांव गुठियारों में आके मिल, क्योंकि ये है गाता रहे मेरा हिल। क्या बात है। तो हिल की आवाज को अपने अंदाज में बुलंद करती हुई एक तो बड़ी जी से शुरू करते हैं, है? ज्योति उप्रेती जी और उसके बाद में नीरजा जी। तो आप दोनों का ही स्वागत हमारे ओहो रेडियो के इस प्रोग्राम में आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। तो हमारी मुलाकात तो पहले भी है लेकिन इस तरह से ये पहली मुलाकात है जी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग का तो एक्साइटेड चाह। आप काव्या जी बोलते रुनिया ने ब्रेक ने दिनिया कि अल्लाह हम लोग को बोला। तो सब पहली सुनने वाला के और देखने वाला के बहुत बहुत नमस्कार। हम दुये बैणी उप्रेती सिस्टर्स, मैं ज्योति उप्रेती सती और मैं नीरजा उप्रेती प्रणाम कर छू आपू के और सब देखने वाला के और सुनने वाला के और स्वागत करूँ आज के एपिसोड में गाता रहे मेरा हिल। वाह वाह वाह। तो ये आप दोनों में, मैं थोड़ी देर पहले बैकस्टेज आपसे पूछ रहा था कि फासला कितना है, तो आपने बताया 7-8 साल का है जी। तो मतलब ये जो गाने वाली गड़बड़ है इन्होंने पहले करी जी घर में, ये रोग आपने लगाया। जामना बटे कामना को नानना बने। अरे उलगी गुजी के वो जैक ठुल बिगड़ भी मैस बिगड़ गए। बिगड़ने अगर संगीत में बिगड़ने को नाना उखिन तो मैं तो कूल जातो उनी वाली पीढ़ी सब संगीत माध्यम बिगड़ो तो बहुत बड़े बात है। दरअसल इसकी शुरुआत हमारी माँ से होती है। मेरी मम्मी जो है वो हमारे यहाँ सगुन आखर कुनान या तरफ गढ़वाल में मांगल गीत संस्कार गीत, संस्कार गीत भी बोलते हैं। तो मम्मी सगुन आखर गाज और ऊक आवाज इससे कि आपको सुर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक सुर में बिल्कुल ना कहीं इधर ना उधर। तो माँ बहुत अच्छा गाती है तो फैमिली में है वो कहीं ना कहीं, जैसे आप घराने वाली जो अभी बैकस्टेज आप बात कर रहे थे तो परिवार में वो है तो वहाँ से वो इधर ट्रांसफर हुआ। फिर मैं पुछड़ बनवेर पचिल पचिल जाते रही हूँ और आज वाह यहाँ पे। तो चलिए बातचीत तो बहुत है करने को, शुरुआत करते हैं क्योंकि नवरात्रों का समय है जिस वक्त पे ये दिखाया जा रहा है, आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो क्या सुनाना चाहेंगे? पहले तो हमारी देवभूमि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है जी। बद्री केदार मां नंदा, मतलब हर महीने हर हफ्ते कोई न कोई त्यौहार तीज त्यार लगी रूज देवतान का दरबार में हमारे ढोक भेंट रहते रूज। तो शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड का एक बहुत पुराना पारंपरिक लोकगीत है, खेल भी कहते हैं जिसको झोड़ा भी कहते हैं। तो ये देवी की स्तुति है, उस माँ को हम याद करते हैं नवरात्रियों में और माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि सबू के सौ सुख्यार रखे, सबू के मंगल कामना पूरी करे, उनका जीवन खुश और हमेशा हरियाली वाल रखे। जैसे अमरिया को ना हरिया पहाड़ था, हरिया पहाड़ा न्याय खूब खिलखिलाता हुआ रखे। तो ये देवी भवानी माता की स्तुति। बिल्कुल। देवी भवानी दे देड़ी
देव रक्षा करिया शुरुआत। और जब हम मैं अपने ननिहाल में रहता था, इधर गरुड़ के पास में है मेरा, तो होली ले जाते थे ऊपर कोट भ्रामरी के मंदिर में, तो गाते हुए जाते थे। तो शुरू में तो हम भी यही धर्मा केवाड़ा गाते थे, फिर बाद में किसी ने मेरे को बताया कि वो धर्मा नहीं था, वो धर्म केवाड़ा, धर्म है या दोनों है। मतलब हम ना लोक में जो व्याप्त था, जो मौखिक था, लिखित तो रूप में कहीं नहीं था, कहते हैं कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बानी। जो किसी के कहने की अभिव्यक्ति क्या थी, किस भावों के साथ उसने बोला, धार में भी अगर हम बोलेंगे तो माँ ऊंचे धार में विराजित है। धर्म को यहाँ पर धर्म से हम डिफाइन नहीं कर सकते। धर्म एक माँ के लिए है, क्योंकि देवी की स्तुति कर रहे हैं हम, ये हमारा धर्म। हाँ, तो हमारा धर्म है वो कर्म के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं उसको। तो दोनों शब्द, जहां तक हम अपने लोक के लिए कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि दोनों शब्द अपनी जगह पे सही है। धर्म का केवाड़ भी बोल सकते हैं, धर्म में केवाड़ भी बोल सकते हैं। धर्म में धर्म का केवाड़, धर्म का केवाड़ बोल भैया, उसका अर्थ गलत नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज वो आपकी मन की हुआ है, लोक में लोग अपने मन से कुछ भी गाते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए बस। तो जहां दुनिया अभी जो है यू नो बॉलीवुड कर रही है, या इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स भी बहुत सारे लोग के आते हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें मैं आपको ज्यादातर ये देखता हूं कि आप लोक गाते हैं, फोक गा रहे होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार उसमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो सकती है, या उसमें स्टेज ज़्यादा मिलेगा, फोक सुनने वाले तो बहुत कम होंगे, या लोग सुनने वाले ना, और उसके लिए वैसे चाहिए होते हैं बड़ी शिद्दत वाले जो दो घंटे बैठे रहें। ऐसा नहीं कि एक गाना गाया, हुक लाइन निकाले और भागे। तो कभी मन में आता है, मन में हम पहले तो हम जो कार्य कर रहे हैं ना, हम उसको बहुत शिद्दत से करते हैं। जैसे अभी आपने शब्द प्रयोग में लाए जी, लोक की बात जहाँ तक है, हमारा मेन है अपने पारंपरिक उस संगीत को जिंदा रखना, उस मौखिक अभिव्यक्ति को जिंदा रखना जिससे हम लोगों की पहचान है, जिन जड़ों से हम जुड़े हुए थे, हमारे पूर्वज, हमारे दादा, आमा, बूबू,
उन लोगों को हम कहीं न कहीं अपने गीतों के माध्यम से जिंदा रखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि रखना भी चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति हमारी ऐसी संस्कृति थी जो हमारी बहुत सुदृढ़, बहुत अच्छे संस्कार किसी के ऊपर उत्पन्न करती थी। और लोक गीतों के अलावा हम दोनों बहनें अपने भारतवर्ष में हमारा जो संस्कृत हमारा आधार है, वेद ग्रंथ पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे रुद्राष्टकम हो, उनको भी हम उनके मंत्रों को लेके, उन गीतों को लेकर के हम उनको संगीतबद्ध करते हैं, और हमने भगवद गीता को संगीतबद्ध किया हुआ है। तो मेन जुड़ाव अपने उन जड़ों से है, जिन जड़ों से हमारे राज्य की, हमारी भारत भूमि की पहचान है। और जहाँ तक आपने अभी बोला कि लोग कोई भी हुक सॉन्ग कुछ भी गा दिया, मतलब अपना बनाया और गा दिया, हम उस भेड़ चाल पे चलते नहीं है। हमने सोचा कि क्यों ना हम, हमारा जो भारत है ना, और हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है, उसको उसकी संस्कृति के लिए जाना जाता है, उसकी एकता के लिए जाना जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ समय से, एक समय था जब बॉलीवुड में बैठे हुए लोग, रविंद्र जैन जी का अगर आपने म्यूजिक सुना हो, तो उन्होंने पहाड़ से धुनों को उठाया और उसको बॉलीवुड में उसका यूज किया। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं, किसी भी, आप बिहार, उत्तराखंड, कहीं की भी बात करें, तो वो बॉलीवुड में कोई गाना निकलता है, वो उठा के कॉपी करके उसी चीज को यहाँ पे उसी धुन पे या वही शब्द लेकर यहाँ पे निकाल देते हैं। तो उस, वो हमें नहीं करना है। आपके अवधन, आपके सामने जो परोसा जाएगा, अगर आपकी मजबूरी है तो आप खाओगे वही ना, अगर आपको जिंदा रहना है तो। वही हाल है, लोगों को सुनने के लिए वही मिल रहा था, ढिकचिक ढुकचिक या जो भी था, हुक सॉन्ग निकाल दिया पॉपुलर होने के लिए, तो लोगों ने वो सुना। तो हमने कहा वो कहा गया जिसने हमारी देवभूमि को देवभूमि का नाम दिया, हमारे उत्तराखंड को जिस चीज़ से हम पहचाने जाते हैं, हमारा कल्चर, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, वो कहाँ चला गया। तो इसीलिए हमने ये शुरुआत करी। हमारे हम लिखते बहुत हैं, बहुत सारे गीत ऐसे जो लिखे हुए हैं, लेकिन जब अपने लोक गीतों की बात आती है ना, तो हम सोचते हैं कि नहीं, पहले इनको, आज की जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा थे क्या, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं ये है, ये नहीं है जो आज आप लोगों के सामने परोसा जा रहा है। तो यही वजह है कि आज अभी हम ज़्यादा अभी लोक गीतों पर काम कर रहे हैं। और आप रिकॉर्ड बहुत कम करते हैं गीत जी, अगर आप माने तो हमने प्रॉपर, जैसे बोलते हैं कि हमने एक रिकॉर्ड करके मार्केट पे लॉन्च करा है, कमर्शियल जिसको आप बोलेंगे, तो शायद अभी नहीं के बराबर किया हमने। अच्छा, एक मुझे अभी आपकी बातों में ना वो उनका वसीम बरेलवी जी का बड़ा सुंदर शेर याद आ रहा है, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ और ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। तो वो जो भीड़ है ना, भीड़ के पीछे चलना शायद वो बचपन से ही या सीखा ही नहीं है, कभी आया ही नहीं कि अलग एक, अब अपनी एक अलग रास्ता बनाना। अगर आपको कहीं पर कुछ कार्य करना है लोग के लिए, अपने भारत की, अपनी संस्कृति को, आप विश्व पटल पे विश्वगुरु थे, फिर से बनने की राह पे अगर चल रहे हैं, तो जो सब कर रहे हैं, सब अच्छा भी कर रहे हैं, ये नहीं है कि गलत, अब वो जो सब कर रहे हैं अगर वही करना है ना, फिर जो हमारी सोच है वो कहीं ना कहीं तो दब जाएगी ना, तो उसको हमने उजागर करना है। तो ये हमारा तरीका है अपने लोग के लिए कुछ अच्छा करना, सोचा है। पॉपुलैरिटी की बात करी, आपने गोपाल दास नीरज जी का नाम सुना होगा, वो बॉलीवुड छोड़ के आए, उनके पास क्या नहीं था, वो उस मुकाम पे थे जहाँ पर सिर्फ उनके गीत चल रहे थे बॉलीवुड में, हर संगीतकार या जो भी थे वो चाहते थे कि गोपाल दास नीरज उनके लिए लिखे, लेकिन वो उसको छोड़ के आए। अगर उनको कमर्शलाइज करना होता, पॉपुलैरिटी चाहिए होती, तो वहाँ बैठ कर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ छोड़ी, इसलिए कि जो असली में जो चीज़ है वो जिंदा रहे। वाह, तो आप तो जब कॉलेज वॉलेज के दिनों में पढ़ते होंगे कहरी डा देते होंगे फिर, मतलब वो इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एक तो गाने वाली, ऊपर से शेरो शायरी है? नहीं, शेरो शायरी गाना मुझे लगता है कि हर इंसान को ना पढ़ना चाहिए। किताबी ज्ञान एक अलग चीज है, लेकिन किताबों को पढ़ के समझना, पढ़ा तो पढ़ा, गुणा नहीं कहते ना, हमारे पढ़ो उसको समझो। और हमारा तो बचपन में, जैसे निर्जान बोला, संगीत का माहौल था, और मैं शायद 6-7 साल की होंगी जब मैंने पहली बार पिथौरागढ़ के नगर पालिका हॉल में गीत गाया था, और साइंस की स्टूडेंट भी थी, तो साइंस और संगीत को साथ लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत परेशानियां आती है, पढ़ाई और संगीत। और संगीत ऐसी चीज है जिसको आपने पूरा न्योछावर करना होता अपना जीवन, रियाज से लेके। तो कहर ढाना जहाँ तक है, हाँ, अपने गीतों से कहर ढाया और गुरुओं का आशीर्वाद मिला, परिवार का आशीर्वाद मिला, आप जैसे चाहने वालों का आशीर्वाद मिला, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कहर होता है शायद दुनिया में, वो आशीर्वाद उसको पाने के लिए तो हम दोनों लगे रहते हैं। और पॉपुलैरिटी आप बात करते हैं, लोग अगर आज हमें जानते हैं, उप्रेती सिस्टर्स को अगर आप जानते हैं, तो वो शायद बिना किसी एक रिकॉर्डेड सॉन्ग के बिना भी जानते हैं। बिल्कुल,
शायद यही नहीं, हमारा नहीं, सबसे बड़ा शायद क्या ये है यही नहीं हम तो श्योर है आप शायद नहीं नहीं मैं श्योर क्यों नहीं हूं किस बात पर तभी तो मैंने कहा आपके रिकॉर्डेड जो हैं बहुत कम आते हैं घर के ना अगर आपका स्नेह रहेगा वो भी बहुत जल्दी आएगा जब उस दिन हम मिले थे आपने कहा कि ऐसे तो मैंने कहा मैं तो ट्विटर पे इतना फॉलो करता हूँ आपको बाकी जगह तो नहीं कर पाता पर ट्विटर में आपको पता बहुत है सारी क्लिप्स जब हमने ये शुरू करा अभी कुछ साल पहले हम गाते थे साथ में लेकिन उप्रेती सिस्टर्स ने ये जो शुरू करा हमने अपनी भारतीय संस्कृति और जो लोकगीतों को लेके चले यहाँ पे हमने देखा उस टाइम पे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कुछ अलग ही चल रहा था म्यूजिक लेकिन जब से हमने ये शुरुआत करी और बहुत सारे लोग हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उसके बाद बहुत बदलाव आया है आज आप देखोगे ना लोग गाना निकाल रहे हैं झोड़ा सॉन्ग चाचरी सॉन्ग भले उनको ये नहीं पता कि परम ये ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या है लेकिन उस तरफ लोग आ रहे हैं उस तरफ झुक रहे हैं हमारा काम वही है जब तक सारे लोग स्पेशली हमारा जो यूथ है वो उसके साथ नहीं जुड़ जाता है ना हम ये काम अपना जारी रखेंगे उसके बाद हमने जो अपने लिखे हुए गीत है ना उनसे शायद डायरियां भर गई हैं वो हम जरूर निकालेंगे और धमाके के साथ निकालेंगे बुलान में अलग कम ने अरे कुछ ना अलग पछौड़ पकड़े पची पची ला रही हूँ कि गुरु से कुछ तो सीखेंगे कुछ क्या सीखना पड़ेगा वाह तो अभी एक किसी ने सवाल भी भेजा है मैं अभी चेक कर रहा था जब हमारे लिसनर्स को पता चला आप लोग आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस भेजे थे उसमें एक तीन चार लोगों ने कॉमन G20 हुआ है हाल ही में और वहाँ आप लोगों ने प्रस्तुति दी तो वो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को पता चला होगा वो कैसे हुआ अनुभव कैसा था G20 पहले तो हमारा देशी अध्यक्षता कर रहा है उसकी बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर कोई पौण हमारे घर ऊँचा तो हम जी जान लगा दिन पौणा का आओ भगत करने में मेहमानदारी में अतिथि देव भव में प्रसिद्ध था तो G20 में एक कलाकार के नाते वहाँ पर परफॉर्म करना वो दिल्ली आकाशवाणी ने हम दोनों का चयन किया कहाँ से किया कैसे किया ये भी एक बड़ी अद्भुत घटना है अल्मोड़ा हम लोग पर कौन सी देवी है कसार देवी में हम दर्शन करने गए गोलजी के दर्शन करके मैया के दर्शन करने गए तो कसार देवी जैसे हमने दर्शन किए तो हमारे एक सुनने वाले मतलब उनकी पूरी फैमिली आई थी तो दो लेडीज आगे आई बोली उप्रेती सिस्टर्स हमने बोला हाँ बट उनके पति लोग हमको जानते नहीं थे सिर्फ वो दो महिलाएं जानती थी हमें तो उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस कराया कि ये वो है ऐसा ऐसा ये करती है हम दोनों इनको सुनते हैं तो उनके पति ने बोली कि क्या गाते हो सुना दो जरा तो हमने मैया की स्तुति गाई थी जय नंदा सुनंदा तू देणी है जय शायद वो मुझको लगता है कि वो देवी का लोग बोलते हैं ना वहाँ पर बस सिद्ध है वो कुछ था कि उन्होंने हमको विद इन अ सेकेंड हम ऊपर शिव के मंदिर में नहीं पहुँचे होंगे दिल्ली आकाशवाणी के जो मेन वहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वाले हैं उनसे फ़ोन करके हमारा पूरा शिव रुद्राष्टकम गा रहे थे हम दोनों पूरा शिव रुद्राष्टकम सुनाया उन्होंने उनको और हम घर भी नहीं पहुंचे होंगे शायद हल्द्वानी या अल्मोड़ा के बीच में थे उनका कॉल आ गया कि आपका 21 तारीख को हम अल्मोड़ा वो दिल्ली आकाशवाणी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है G20 का और सर के शब्द थे जो दिल्ली में कि मैं तो इनको कब से ढूंढ रहा था मतलब वो हमें सुनते थे लेकिन वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे हमारे साथ कि इनको कैसे मैं वो करूँ तो उस दिन वो माँ का आशीर्वाद था कहाँ से मिला और सर से बात हुई उन्होंने हमारा प्रोग्राम करके कि उप्रेती सिस्टर्स आपको इतने दिन बाद वहाँ आना है और हो गया और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर हमने उत्तराखंड के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति को भी एक उसकी झलक पेश करी और G20 का एक सॉन्ग था उसको भी हमने कंपोज किया तो ये उसके लिए हम अपने देवी देवताओं को अपने इष्ट अपने माँ भगवती को सोशल मीडिया पे वायरल आप कह रहे हो वो तो मुझे लगता है वो आप लोगों का प्यार और वायरल ना दो चीजें होती है एक अच्छी एक बुरी बुरी चीज भी वायरल होती है अच्छी चीज भी और हमें भी लोगों से पता चल रहा है कि वो इतना वायरल हो चुका है हर कोई वो खुल दे माता खुल भवानी और वो आओ आओ जी पधारो ये ही सुन रहा है उसमें बहुत सारी चीजें थी बहुत से गीत थे तो इसने आशीर्वाद हमेशा मिले हम तो ये प्रार्थना करेंगे और जो आप कह रहे थे ना कि उनके पतियों को नहीं पता था पता होगा पत्नियों के सामने पता नहीं हो सकता है कंट्रोल कर रहे हैं तभी तो उन्होंने कहा एक बार सुना दो लाइव शौक पूरे हैं लेकिन जाहिर नहीं कर रहे हो सकता है क्या पता तो आओ या आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो मैं अपना ही बता रहा हूँ सब मैं अपना ही तो बताता हूँ अपने मेरे अंदर कई आदमी घूम रहे हैं सही बात क्यों वो कहते हैं ना एक शेर वो है तो सही वो जिससे भी मिलिए कई बार मिलिए करके बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो होता ही है कि एक इंसान में कई तरह के इंसान चल रहे हैं हाँ ये है तो आओ आओ का जिक्र हो रहा था थोड़ा सा अगर हो जाए तो साथ मिलके जो चले मंजिल मिलेगी
लिखा भी आप ही लोगों ने? नहीं लिखा मैं आकाशवाणी के ही गीतकार है, आकाशवाणी के कोई गीतकार है, उन्होंने लिखा और हमने इसको कंपोज किया और गाया और लिखा भी बड़ा खूबसूरत बना, बड़ा खूबसूरत है। मैं माफ चाहती हूँ, उनका नाम भूल गई, बहुत अच्छा लिखा हुआ उन्होंने। नहीं इसकी वाइब जो है ना बहुत साल पहले पीयूष जी करके कुछ नाम उनका, गुलजार साहब ने एक लिखा था अमन की आशा करके एक एल्बम था, शंकर महादेव ने कंपोज किया था कि नजर में रहते हो नजर नहीं आते, हम इधर बुलाते हैं तुम इधर नहीं आते, चलो न दरिया बिछाएं बजाएं ढोलक, फलक तो साझा है उड़ाएं पतंगे मोहल्ले वाली, कि नजर में रहते हो नजर नहीं आते, हम बुलाते हैं तुम इधर नहीं आते, वैसे करके बड़ी वाइब इसकी, वो जो एक फलक है ना तो चलो मोहल्ले में सभी पतंगे उड़ाएं हर रंग की उड़ाएं, वसुधैव कुटुंबकम एक्चुअली वही है, वन अर्थ वाली जो बात है। बढ़िया, तो आपका एक तो ये वाला रूप है, जब मैं पौणों तुम उनका बुलाचा मतलब कि मेहमानों का स्वागत वाला, एक हो गया कि आपने माँ भगवती के लिए गाया। एक मैं अक्सर देखता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ट्विटर स्पेस पे जैसे कि मैंने कहा कि मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ आपको, तो ट्विटर का स्पेस थोड़ा सा पॉलिटिकल भी होता है और थोड़ा सा एक अपनी ओपिनियन वाला स्पेस भी रहता है, जहाँ पे हमारे बाकी गायक कंपैरेटिवली कम पाए जाते हैं, उत्तराखंडी गायक वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज़्यादा। गिरीश तिवारी गिरधा की मैंने कई बार आपको सुना है गाते हुए, क्योंकि गिरधा जनकवि तो थे ही लेकिन साथ के साथ में एक कहीं ना कहीं अपनी बात रखने वाले कवि भी थे। गणरत्न नेगी जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था बहुत साल पहले, उन्होंने कहा था कि गिरधा सड़कों के गायक थे, वो मंच उतना पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे सड़क पे बात होगी सड़क की बात होगी। तो आपके क्या व्यूज रहते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार आप मुद्दों के ऊपर बहुत आराम से अपनी तरह से जो आपको लगता है आप अपने गीत के हिसाब से बोलते हैं। सड़कों के आपने कवि बोलो, सड़कों के गायक बोलो या गीतकार बोलो, सड़कों पे मुझे लगता है ज़्यादातर वही आता है जो सच में समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, उन संवेदनाओं को जगाना चाहता है जो लोगों के अंदर कहीं मृत पाए हो गई हैं, जो समाज के लिए कुछ अच्छा सकारात्मक करना चाहते हैं। मंच में तो हर कोई जाता है, कमर्शियल होता है मंच, मंच पे तो मैंने बोला ना अभी हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, वैसे मंच की तरफ हर कोई दौड़ रहा है। तो गिरधा हमें इसलिए भी ज़्यादा हमें हमारे अंदर बसे हुए एक हिसाब से, क्योंकि उत्तराखंड जब हमारा बना था तो उस पर जन आंदोलन पे जो गीत हमारे थे प्रेरक गीत, तो उनको गिरधा ने बहुत से उनके गीत हैं, जैसे आपने अभी ये बोला था उनका उत्तराखंड मेरी मातृभूमि है, वैसे हमारे राणा जी का लस्का कमर बांधा है और तिवारी जी का ही है अर्जुन थे कृष्ण कूछा। तो मेरे पिताजी भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, तो मेरे परिवार में हमने वो देखा, उनके साथ रैलियों में हम गए, उन गीतों को गाया, वो बचपन से आप कहते ना कहर ढाना, तो यहाँ वो कहर ढाया लोगों के सामने उन गीतों को जो सुना, लस्का कमर बांधा हिम्मत का साथ और हम लड़ते रूला भुला हम लड़ते रहा, तो ये गीत गा करके वो कवि कहीं न कहीं वो गीतकार कहीं न कहीं जाने के बाद भी और हमेशा हमारे जहन में रहेगा, हमारी अंतरात्मा में रहेगा। आज हम उनके गीतों को गाते हैं, समाज में लोगों के मन में एक अलग ही चेतना उत्पन्न होती है उन गीतों को सुन के। तो आप समझिए जब वो उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, मसूरी गोलीकांड हुआ, खटीमा हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, तो जब जिसके घर में वो शहादत हुई, जो लोग चले गए इस राज्य के निर्माण के लिए, तो उनके मन में कैसी वो भावना होगी। हम अपने पिताजी से घर में बात करते हैं तो बताते हैं कि हम कैसे जेलों में भी रहे, तो शायद यही वजह है कि वो कवि वो गीतकार हमें अपने जैसा लगता है, अपने परिवार का जैसा लगता है। और आज जब सोशल मीडिया पे कोई भी मुद्दा उत्तराखंड का कोई उठता है ना, तो लोगों का होता है कि अरे आप ये गीत या कविता बोल के या भाषण दे के, कई बार आपको भी बोला होगा कि आपके मंच से आप बोल रहे हो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, आप रास्ते में आओ या कुछ और करो, उनको लगता है कि बंदूक लेके खड़े हो जाओ तब जाके शायद मुद्दे सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई आंदोलन होता है, आप पुराने इतिहास को जब पढ़ेंगे तो जब युद्ध हुआ करते थे, राजा तो चलो लड़ने जाता था, सैनिक लड़ने जाता था, लेकिन वहाँ पर भी एक कवि ज़रूर होता था जो उनके अंदर एक ऊर्जा भरता था अपने गीतों से अपनी कविताओं से। वैसे ही हमारे गिरधा थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि सबसे आगे डट के खड़े रहे और हमारे उत्तराखंड को इस तरीके से, उनकी जो कल्पना थी ना, हमारे जो आज हम उत्तराखंड गिरधा को जो इतना स्नेह करते हैं, इतना जो प्रेम उनके जो गीतों को हम गाते हैं, उसकी वजह यही है कि आज इतने सालों बाद भी उनकी जो कल्पना थी ना वो शायद अभी भी साकार नहीं हुई है, इसीलिए वो हमें इतने प्रिय हैं। तो जब वो इतने प्रिय हैं
हो जाए। क्या सुनना चाहोगे आप बताओ? मातृभूमि सुन लेते हैं और हम चाहेंगे और लश्का कमर भी सुन लेते। हम चाहेंगे कि तुम लोग का तगार भाग लगाया। अच्छा, बीच बीच में कोरस में। तो पर्वतराज, हिमालय की गोद में पैदा हुए हम लोग हैं, हमारी अपनी पहचान है और उसी पहचान को दशकों से आगे बढ़ाते हुए जेनरेशंस के साथ वो आगे बढ़ी है। और गिरीश तिवारी गिरदा, जिनका जिक्र हो रहा है, उन्हीं की लेखनी को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं उप्रेती सिस्टर्स। हिमालय की जय जयकार तो होनी चाहिए, हिमालय प्रदेश के हम सब वासी हैं और एक गौरव तो है ही, लेकिन गौरव के साथ साथ क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। एक आर्टिस्ट को, एक गायक को कमर्शियली अपने आप को लॉन्च करना एक बहुत बड़ा, उसके लिए भी अचीवमेंट है और समाज में जब उसका गीत बहुत हुक लाइन पे हिट होता है, पॉपुलर होता है, तो उसको हर जगह से पॉपुलैरिटी मिलती है। बट जब हम एक इंसान के अंतरात्मा को छूते हैं ना, वो चाहे यहाँ पर बैठे हुए आनंद जी हों या गांव में बैठी हुई बुढ़ी दादी हो, तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए हुक लाइन है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और जब आंखों में आंसू आते हैं, अभी ग्राफिक एरा में 2-3 महीने पहले एक चर्चा हुई थी, अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन कल्चर म्यूजिक कैसे युवा के परिप्रेक्ष्य में कैसे करें, तो कहाँ से करें, क्योंकि हमने उत्तराखंड बनाए हुए आज इतने साल हो गए, हम बोलते हैं 22 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा, हमने सच में वो देखी है वो चीज़ें। जब किसी के घर से कोई उठता है, कहते ना
उसके अंदर रोता है इंसान, बट उस रोने में अगर पूरा समाज रोता है ना, तभी जागरूकता फैलती है, तभी मुझे लगता है कि सार्थक होता है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जो हम कर रहे हैं ना आज, वो हमेशा उस रास्ते पे कराए, हमेशा चलाए उस रास्ते पे। वाकई में यहीं पे रोक दें इसको? नहीं, अरे जहाँ संगीत के साथ आंसू ना होना। हम G20 में सर्ग तारा जूनियाली रावत जी का गीत गा रहे थे, आधे लोग रो रहे थे, आधे लोग सामने बैठे हुए, जो वसुधा जी हैं, डायरेक्टर है वहां पर अभी दिल्ली आकाशवाणी की, बहुत से लोग हम जानते नहीं, मैं रो रही थी, ये रो रही थी, आंसू थे बट गायन चल रहा था, क्योंकि वो शब्द जो कहते हैं ना, सर्ग तारा जूनियाली रात को सुन लो यू मेरी बात, तो हम उनको सुनाना चाहते हैं, अपने कल्चर को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उन यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं, पहचानो अपने आप को, हम जो थे ना उस पे चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डीजे में भले हम शादी में नाच लें, गा लें, दो दिन की खुशियाँ मना लें, लेकिन हम अगर कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, परंपराएं भी सुदृढ़ वाली, संस्कारों वाली, कुप्रथाओं वाली नहीं, क्योंकि जहां प्रथाओं में कुप्रथाएं आ जाती हैं, कहते हैं कि वो संस्कार मायने नहीं रखते मान ले, तो अगर हम उनको साथ लेकर चलेंगे ना, जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत सुंदर। तो सर्ग तारा का जिक्र हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जरा इनको बुला ही देते हैं, पता नहीं है, वो तो डिसाइड करेगा कौन रोता है नहीं रोता। आनंदम के यूट्यूब पे उत्तर का पुत्र पे रुला दो इनको, बहुत नाच लिए ये, पूरे एपिसोड में सब रोएंगे, और कटोरे रखो साथ में। रावत जी का लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत है, पिथौरागढ़ निवासी थे रावत जी भी, और हम सौभाग्यशाली है कि उनके बहुत से गीत प्रचलित थे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज उन महान गीतकारों का कहीं पर नाम भी नहीं आते। लोग सर्ग तारा जूनियाली रात को किसी अन्य अन्य गीतकार के नाम से जानते हैं, लेकिन जिसने अपनी कलम से इस गीत को लिखा वो कहीं खो सा गया है उस मिट्टी में, तो हमने उस मिट्टी से पुनः उसको जीवित करना ये हमारा कर्तव्य है। तो आपके लिए श्रद्धांजलि इस गीत के माध्यम से। सर्ग तारा, सर्ग तारा जूनियाली सर्ग तारा जूनियाली रात को सुन।
करूंगा वो कर देना था, डाली डाली फूलों की, वो भी तो बड़ा अच्छा गाते हैं। हम तो बोलेंगे डाली डाली क्या, हर कण कण बुलाता है आप लोगों को, आइए हमारी देवभूमि में। जितने भी देवभूमि से बाहर के लोग हैं, आज मैं गाता रहे मेरा हिल के माध्यम से बोलना चाहूंगी, उत्तराखंड में आइए, देवभूमि में आइए, और हम जो देवभूमि देवताओं की भूमि बोलते हैं ना, उसको स्वयं अनुभूति कीजिए उस शब्द को। वो बहुत से लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को दिखाइए उस धरती को, उस हिमालयन को, जहाँ देख करके हम अपने आप को बहुत बौना देखते हैं। वो हिमालय जो सर्वश्रेष्ठ, क्या मतलब, जिसको हम परिभाषित भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो हम बड़े ऐसे सीना तन के खड़े रहते हैं ना हम इंसान, तो हमारा वो तना हुआ सर अपने आप ही नीचे चला जाएगा जब हम उसको ऐसे देखेंगे। तो उस अनुभूति को अपने बच्चों को भी सिखाने आइए, यही संस्कार है जो हमारा कर्तव्य अपने बच्चों को देने का, हर माँ बाप का कर्तव्य है। तो आइए, स्वागत है अतिथि देवो भव के लिए, हम तैयार है। ब्रांड एम्बेसडर बना दे क्या आप दोनों को? अरे लाइए अभी साइन कर ये है, पेन लाओ भाई कागज तो लाइए ये सर के तारा में ऐसी वाइब आ रही थी ना, लग रहा था कि बस अब वो मोबाइल की फ्लैश लाइट जो ऑन करके वाली है, जो वाइब होती है ना आजकल रोमांटिक गानों में। हाँ। देखिए जो प्रकृति से भी जो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना एक रोमांटिक को उस सिंगल पे, कि उससे बढ़िया श्रृंगार कुछ है नहीं एक्चुअली, जिसमें आपको रोज कुछ नहीं करना होता है, प्रकृति अपने रोज थोड़ी थोड़ी देर में और थोड़ी थोड़ी दूर में अपना अलग रंग आपको दिखा दे। बिल्कुल, है ना? कह रहे थे ना ये कमर्शलाइज और ये वाला कि रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ। आप अभी बात कर रहे थे कि आपने ये उत्तराखंड मेरी मातृभूमि कहीं नदी के किनारे कहीं गाया था, तो उसकी वजह यही है, प्रकृति से बड़ा संगीत कुछ है ही नहीं। आप जंगल चले जाओ, वहाँ पेड़ों की हवा की जो आवाज़ आती है, नदी के किनारे बैठ जाओ, उसकी आवाज़, झर्रे की आवाज़, उसमें गाने में हम दोनों को जो मजा आता है ना, वो शायद स्टूडियो में गाने में नहीं आता है। उसके लिए हमको सुर भी नहीं चाहिए। अभी तो हमको बोल रहे हैं एफ दे दो, ई दे दो, तो वहाँ बिना सुर के वो प्रकृति के कण कण में संगीत गाया था ना यशोदास जी ने, ईश्वर की सब रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ गीत, प्रकृति के कण कण में संगीत भाई। तो वो हम जहाँ खुट रख नो उल्ला तली बैठे कूंच गा भाई गा जहाँ गा, तो हम वही गाना शुरू कर देते हैं। नहीं अच्छा, वो चलने की भी साउंड है, अगर आप चलते हैं जो वो पैर की साउंड आती है उसमें भी बहुत कुछ, वो भी म्यूजिक है, सब जगह म्यूजिक। बारिश में देखो जब वो टुप से पानी आता है, बस उसके लिए भी समझने वाला मन होना चाहिए कि किसको कहाँ संगीत दिखाई देता है। बिल्कुल, आप दोनों तो इतना मतलब, कई बार मैं किसी को बता रहा था, मैंने कहा आज आप दोनों आ रहे हैं, तो कह रहे थे यार इनकी सबसे कमाल, हाँ वो गजेंद्र राणा जी, तो वो कह रहे थे, कह रहे यार ये दोनों एक साथ कैसे गा लेते हैं, ऐसा लगता है एक ही गा रहा है। मतलब चलो ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, पर कभी ऐसा हुआ हो, अब ऊंच नीच हो जाती है, जैसे किसी की वजह से मान लो छींकी आ गई, कुछ हो गया, हल्का इधर उधर ध्यान गया, बिगड़ गया, और शाम को रात तूने बिगाड़ा था, बोले तूने बिगाड़ा था, होता है कभी? ये अक्सर हर किसी का सवाल होता है। हाँ। उनको जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अरे इनसे ज्यादा प्यार तो है ही नहीं। हाँ। लेकिन झगड़ा भी बहुत अच्छा, होता है। बाल आपके कली खींचने की वजह से हुए? नहीं नहीं, मेरा बस चले तो मैं खींच ऐसे झुपड़ी बनाना, मैं झुलपुट्टी झुलपुट्टी पकड़ना, मैं ऐसे कर दूं, क्योंकि लर्न में अगवान में हो रूं जू, तो इसीलिए। लेकिन वो कुछ है ईश्वर का ही हम तो देन मान सकते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द गा रही हूँ अभी, तो समझ लो ये गीत हम जो मंच पे बहुत बार गा लें, पता है कि अब ये लाइन गानी, अब ये शब्द गाना है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमने ये करना है, या गीत लिखा है हमने, ऐसे हमारे बहुत सारे गीत है। अरे अभी जो हमने सर्ग तारा ये जो गाया, मुझे नहीं पता था ये कौन सा स्टेंजा गाने वाली, क्योंकि इसमें चार पांच है। हाँ। मुझे नहीं पता था, वो मैंने उसका शब्द मुंह खोलने का तरीका देखा कि उसने क्या खोला, पानी को मसी का गाया, क्या शब्द निकला। तो ये है, वो शायद भगवान का आशीर्वाद है। वो कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है मैं इसको कैसे कैच कर लेती हूँ, तो उसको एक्सप्लेन शायद नहीं कर सकते अपने अंतर। झगड़ तो वही नांजा प्यार उच, झगड़ा नहीं होगा अगर प्यार नहीं होगा तो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने अलावा अपना तो मतलब म्यूजिक आप कर ही रहे हैं, लोक और फोक तो गा ही रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिनको, जैसे गिरदा एक हो गए, उसके अलावा बाकी कौन लोग हैं? क्योंकि जब आप भारत का जिक्र कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है बाकी जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, इलाके हैं, प्रांत हैं, उनको भी आप सुनते होंगे या देखते होंगे वहाँ के, तो कौन लोग हैं जिनका म्यूजिक आप रीजनल की अगर बात करें, फोक की? लोग तो
मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे क्योंकि पता हाँ, नहीं होता मतलब... है ये है कि जैसे हमको अपने घर में एक परिवार होता है, परिवार में किसी को भी एक दूसरे के नाम पता होते हैं। अगर हम थोड़ा परिवार से दूर गांव में पता होंगे, समाज बड़े लार्ज स्केल पे बड़े क्षेत्र पे जाएंगे, धीरे धीरे हम नाम भूल जाते हैं। कभी कभी वो छवि याद रहती किसी का बोला हुआ, कला याद रहती है। तो जहां तक हमारे उत्तराखंड के अलावा अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, संगीत आकर्षित करता है हमको, वो धुन आकर्षित करती है हमें, हमारे वो वेद ग्रंथों में कही हुई नीति के श्लोक, वो नीतिगत बातें हमको आकर्षित करती हैं। वो अगर हम रुद्राष्टकम गाते हैं, जैसे हमने श्रीमद् भगवद गीता को संगीतबद्ध किया था कोरोना काल में जी। तो उसको आकर्षित करने का कारण था चारों तरफ बहुत नकारात्मकता थी, लोग मतलब जा रहे थे, अपने अपने अपनों को खो रहे थे। तो हमें लगा कि क्या किया जाए। कभी लोग कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं लोग, लेकिन हमने शायद उस कोरोना की आपदा में एक ऐसा अवसर हमें दिया उस ईश्वर ने। और मेरे पति सामने बैठे, उन्होंने बोला कि तुम श्रीमद् भगवद गीता क्यों नहीं गा रहे हो। वो कभी पिताजी के मुंह से हमने सुना था, क्योंकि वो गाते हैं घर में, कि ये बोलना चाहिए। और हमने सिर्फ 2 या 3 साल संस्कृत पढ़ी है, 6, 7, 8 में। पापा ने विद्या मंदिर शिशु मंदिर वाल दोनों, हाँ मतलब नए मतलब संस्कृत तो पहले कंपलसरी, आज का जो ये शैक्षिक जो हो गया ना उससे हटा दिया, पहले था हर जगह था, पहले तो सभी को पढ़ाई जाती थी संस्कृत। तो जब हमने पापा को ये बताया, पापा के सामने जिक्र किया कि हम ऐसे सोच रहे, पापा पहले तो आश्चर्य में कि तुम दोनों कैसे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करोगे। हमने कहा बस सोच रहे हैं, हम करेंगे। तो बोले ठीक है, उसका स्टार्टिंग तो ठीक है, बात बात की जो श्लोक है ना बहुत कठिन है संस्कृत उसकी, तो तुम दोनों पढ़ नहीं पाओगे तो मुझसे पूछना। और हम पहले दिन हारमोनियम लेके दीदी बैठी, और हमको था कि हमको ऐसे नहीं गाना है उसको, ऐसे तो पंडित जी लोग भी सभी मतलब गाते हैं संस्कृत के श्लोक के साथ। तो हमने उसको, हम क्योंकि संगीत वाले हैं तो उसको हमने संगीतबद्ध करा, अलग अलग राग निकलते रहे, अलग अलग रागों में वो श्लोक बनते रहे, और पता नहीं कैसे हमने वो 18 के 18 अध्याय 2 साल में पूरे किए। पापा हमको पूछ रहे 2-3 महीने बाद कि तुम तो मुझसे पूछने वाले थे, कहाँ है वो, कॉल ही नहीं आया तुम्हारा पूछने के लिए कि श्लोक बता दो। हमने कहा पता नहीं कैसे पढ़ लिया। चीजें जो कह रहे ना आप, कौन आकर्षित, अच्छा फरमाइश आ गई ऑडियंस से। तो हम इसका पहला जहाँ से धर्म क्षेत्र धर्म जहाँ से शुरू हुआ वो श्लोक हम, और मैं तो फिर कहूंगी अपने बच्चों को ये चीजें पढ़ाइए। हम आपको भी याद होगा काव्या जी, जब हम छोटे थे ना स्कूलों में, वो नीति शिक्षा का विषय कंपलसरी होता था, मॉरल एजुकेशन। अब भी है, लेकिन वो शिक्षा जो हमको मिलती थी ना, जो हमारे जीवन को महकाती है हमेशा, वहाँ हमारी कोई डिग्री डिप्लोमा काम नहीं आता, सिर्फ वो मॉरल एजुकेशन जो परिवार के संस्कार होते हैं वो काम आते हैं। तो ये जो धर्म क्षेत्र है, रण क्षेत्र है कौरव और पांडवों के बीच का, पहला श्लोक है हमारे श्रीमद् भगवद गीता का, धृतराष्ट्र और संजय के बीच का वार्तालाप, और संजय और उसकी शुरुआत ही धर्म, धर्म शब्द से, धर्म की व्याख्या यहाँ पर कृष्ण ने कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उससे नहीं किया है, उनके धर्म का कहना ही कुछ और है कि आप जो कर्म कर रहे हो वो धर्म है, उनको उन्होंने किसी भी उससे नहीं जोड़ा है। तो उसकी शुरुआत ही वहां से हुई है। तो वो श्लोक हम आपको सुनेंगे, धृतराष्ट्र के मुख से ये श्लोक निकला हुआ है, संजय जी से पूछ रहे हैं कि क्या वृतांत है रण क्षेत्र में बताओ मुझे। तो ये एक श्लोक आप सब लोगों के लिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवितायुयोत्सव माम का पांडवाश्च किं कुर्वत संजया। तो पूरा वृतांत संजय सुनाते हैं, कौन कौन है, कहाँ है, क्या है, बहुत सुंदर 18 के 18 अध्यायों का एक पढ़ने में एक अलग ही शिक्षा मिलेगी जब हम समझेंगे ना हमारी आत्मा में। मुझे लगता है वो गीता माँ जो गीता श्रीमद् भगवद गीता है ना, वो आके हर दिन कुछ न कुछ ऐसा पॉजिटिव अर्थ बताती है ना उसका, उसको मुझे लगता है वो अनुभव बहुत अनूठा है, अद्भुत है वो अनुभव। उस बीच हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जो ऐसा लगता था ये कहाँ से सारे गोकुल मथुरा वाले हमारे आसपास आके बैठ गए। तो बहुत ही अद्भुत था वो जो हमने शुरुआत करी थी, और शायद वहीं से उप्रेती सिस्टर्स का जो एक साथ में अपने गाना शुरू किया, बनाई वहीं से, वहां से शुरुआत हुई। तो सती जी घर में कितने प्रताड़ित हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के सामने इनकी चल तो पा नहीं रही होगी,
होता है ऐसा जी माहौल? गीत लिखते हैं सती जी, बहुत अच्छे गीत लिखे हुए हैं, मतलब उप्रीति सिस्टर्स का अगर एक मजबूत स्तंभ बोलोगे ना है? वो अरविंद सती है। अच्छा, जो हमें हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब हमारी प्रेरणा अगर बोलोगे, मतलब मैं अगर शादीशुदा, ये तो अभी अविवाहित है, एक विवाहित लड़की के लिए कहते हैं ना मायका और ससुराल, दो ऐसे पक्ष होते हैं जहां पर उसको उसके सपनों के हिसाब से जीना अगर मिल गया ना तो उसके पर ऐसी स्पीड से दौड़ते हैं ना, उसके पंख परवाज बन के उड़ते हैं। तो मेरे माँ बाप का भी इतना सपोर्ट मिला, मुझे लगता है हर लड़की को हर बच्चे को ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए। और शादी होके जब मैं यहाँ सती परिवार में जोशीमठ में आई तो मैंने बोला ना उप्रीति सिस्टर का आधार स्तंभ है वो। और हमें मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक गीत की पूरी रचना करी है जिसकी स्टार्टिंग है चल चल, चल, चल रे पथिक युग तुझे ही करना है, चल हर पल को युग तुझे ही करना है। बहुत से गीत लिखे हैं, उनको संगीत बद करके गाते रहते हैं। आप जब आए थे ऐसे तो बड़े सिंपल लग रहे थे पर खतरनाक हो आप भी हैं। बताओ, तारीफों के एक तो होता है पुल बांधना, एक होता है तारीफों का पहाड़। जोशीमठ के पहाड़ पे लिख दिया कि है, और ये खोखला पहाड़ नहीं है, मजबूत पहाड़ है। मतलब हमारी कहीं भी जाते हैं एक किसी का पीछे से होता ना, तुम यहाँ ये कर रहे हो, ये करना चाहिए, यहाँ पर ये गलत था, ये था, उनको सुर का नॉलेज नहीं है, बट हमारे सुरों में गलतियां वो ही निकालते हैं। यहाँ तुम गलत थे, ये करना था, लेकिन वो करना था, ये भी बड़ी हिम्मत है पत्नी के सुर में गलती निकालना। अरे नहीं नहीं, लेकिन जब हमारी लड़ाई होती है, जब भी हम दोनों की लड़ाई होती है तो उसमें गलती इसी की निकालते हैं। मुझे हर बार बोला जाता है कि ये सही है, भले गलत मैं होती हूँ फिर भी बोलते, इसको बोलते कि जाके सॉरी बोल उसको। क्या बात है। तो ये हम तीनों का प्रेम है आपस का। वाह, कि जिसने इसी चक्कर में आप चार नहीं हो पा रहे हो ऐसा तो नहीं कहीं? ये तो इनसे पूछिए क्या हो गया। इसको जोशीमठ में वहाँ अच्छा मेरे वाले की बात कर रहे हो। टाइम लगा पकड़ने में। नहीं नहीं, इसने अगर ढूंढना है, इसने बोला चौथा आएगा तो वो आएगा जो उप्रीति सिस्टर्स का उसी की तरह स्तंभ बनने के लिए तैयार होगा। फिर मुश्किल है भाई साहब। नहीं मिलेगा, पक्का पक्का मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कोई ऊपर वाले पे भरोसा है। बता नहीं रही है, पता मुझे नहीं ये, क्योंकि इनने जिस तरह से ऐसा हो नहीं सकता, ऊपर वाले ने कॉन्फिडेंट नहीं, सही समय का इंतजार तो नहीं हो रहा। नहीं, मेरी हमारी ऐसी आदत है कि हम अपनी हर बात छोटी मोटे दुख सुख, क्योंकि परिवार यही होना चाहिए, जो आजकल के परिवारों में जो कमी है ना वह यही है कि आपस में एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को कुछ पता नहीं होता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन हमारे परिवार में ऐसा है, हम तीन अभी यहाँ पर रहते हैं, किसकी जिंदगी में क्या सुख दुख क्या चल रहा है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है सब पता रहता है दोनों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, अरे टाइम छुपया उनमें, कोई नहीं ढूंढ रहा। मैं अभी बता देती हूँ कैमरा मैंने, क्या पता कोई मिल जाए, देख लो भाई फिर। लेकिन फिर वो भी तो आपने बड़े हाई वो कर दिए ना, मतलब अब उसको मैच करना भी तो लोग के नहीं, वो सिर्फ ये है कि उप्रीति सिस्टर्स मिलेगा जहाँ तक हम तो देखिए, जब जीवन साथी जो होता है ना वो तो आप तो ब्याह हो रहे हो आपको तो पता होगा, जब आपकी वाइफ आपके काम में आपका साथ देती होगी ना हर जगह, तो आपने भी तो यही चाहा होगा ना कि ऐसी जीवन साथी मिले, उन्होंने भी यही चाहा। तो आप मेरे वाले को क्यों बोल रहे हो कि बहुत हाई कर दिया है? बढ़िया। और घर वाले कहाँ रोनी है उसी? घर वाले कहाँ रहते? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में नहीं, तो वहाँ जब पड़ोसी वड़ोसी कहते होंगे अरे आज तो दिल्ली में, आज देहरादून में, आज फलां जगह, खुश होते हैं वो भी है? फोन करके अपना अपने लोग जब खुश होते हैं ना, वो सबसे बड़ी शक्ति का संचार करता है आपके अंदर। अपने माता पिता के चेहरे पे जो मुस्कुराहट हमारे अच्छे काम की वजह से आती है, उससे ज्यादा चीज शायद कोई सम्मान कोई पैसा कुछ मायने नहीं रखता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। बिल्कुल। क्या सोच रहे हो, मतलब कि कहाँ तक जाया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे करेगी याद दुनिया उप्रीति सिस्टर्स को, किस तरह से याद करे? आप ये जो ख्याल है, सपने है ना, मुझे लगता है कि सपने सजाने से ज्यादा हम लोग ना कर्म में विश्वास करते हैं। हमने श्रीमद् भगवद गीता गाई है, उसको सुना है, उसको सुना है, उसको गाया है, समझा और अपने अंदर लाए है उसको, हम कर्म करने पे विश्वास रखते हैं। फल की चिंता आपने भी बोला ना, हम नहीं करते कि कहीं हमको मंच मिले, खूब सारा पैसा हो, ये हो वो हो, नहीं। अगर हम कर्म अपने सत्यता के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं ना, ऊपर वाला अपने आप चलता है, हमसे आगे आगे चलता है वो हमारे रास्ते खोलने के लिए कि मैं चल रहा हूँ, अब आओ आगे। और ये सत्य बात है, ये कोई ऐसी हवा में हम बोल नहीं रहे कि आज काव्या जी क्या गाता रहे, मेरा हिल पे आए तो हम थोड़ी बातें करते हैं। तो सपने हमने नहीं सोचा कि क्या करना है, क्या करेंगे कि दुनिया हमें याद रखे। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा करें, यहाँ से चले भी जाए ना,
तो हमारे पीछे जितने हमारे अपने हमारे पीछे छूट गए या हम ऊपर जा रहे हैं, जो भी संसार जिस लोक में भी जाएं, कभी अपने आप से ग्लानी महसूस न करें, अपनी नजरों को झुका के ना चलें कि यार मैं ऐसे आगे बढ़ी हूँ, ऐसा करा है मैंने गलत, वो ईश्वर कभी भी उस बीजारोपण ना करे उस चीज। और सफर कहाँ तक जाएगा, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एक महीने बाद मैं ये करूंगा, हम ये सोच के कभी कभी कोई काम नहीं कर रहे कि यार हम ना अगले महीने ऐसा करेंगे, एक साल बाद हम ये करेंगे, हम बस कर रहे हैं। कल किसके साथ, कल सुबह क्या होगा, परसों क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। आप आज को अच्छा करो, अभी को अच्छा करो, तो कल शायद अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो संगीत में नहीं होते तो क्या प्रोफेसर वगैरह होते? पता नहीं, शायद संगीत में नहीं होते तो एक तो अगर मैंने साइंस ली थी तो मुझे उस फील्ड में जाने का भी था, एक मुझे अपनी फोर्स को भी ज्वाइन करने का बहुत मन था। अगर मैं अपने उसको बताऊं तो 12वीं तक वो 11वीं 12वीं तक वो सपना धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि संगीत ऊपर आ गया, लेकिन वो एक जो विज्ञान की छात्रा के नाते वो था कि मुझे MSc करना है, ये करना है, वो करना है, प्रोफेसर वाला बनना है, वो भी मेरे गुरुओं और माता पिता ने मुझे जबरदस्ती बोला कि तुझे नहीं करना है MSc अब। अच्छा। क्योंकि तेरा संगीत जो ईश्वरीय देन है उसको कहीं ना कहीं तू सेक्रीफाइस करके खत्म कर दे, तो इससे अच्छा तू अब इसकी विधिवत शिक्षा ले, क्योंकि हम जब शिक्षा लेते हैं ना, बहुत जरूरी है सीखना। आज हम लोग ना सीखने को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं कि सीखने से क्या रहे, हम तो बस करेंगे, हम तो ये बन गए वो बन गए। नहीं, इंसान की लास्ट यात्रा, अंतिम यात्रा तक सीखने की लगन रहनी चाहिए। तो सीखने की वजह से मैंने फिर भातखंडे किया आफ्टर BSc, और उसके बाद संगीत अध्यापिका का पद पर अभी पिछले साल ही मैंने छोड़ा हुआ है, स्कॉलर्स होम में काम किया, फिर नोएडा में वर्क किया। अध्यापिका और संगीत को एक साथ लेकर चलना वो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था, हर किसी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अध्यापिका थी तो वहां पर भी मैंने अपना काम 100% किया हुआ है, बच्चों को इससे अपार प्यार भी लिया है और प्यार भी दिया है उनको। तो अब है कि अध्यापिका के पद को वहीं पर थोड़ा विराम देकर संगीत के उस पर प्रॉपर काम करना है, लोगों से मिलना, गांव घरों में जाकर के अपनी संस्कृति को और समझना और सीखना, ये यात्रा चलती रहे, मैं तो यही बोलूंगी। तो आप में जो है मतलब इनकी वजह से थोड़ा सा आसान हो गया था क्या, मतलब इस फील्ड में आना? वैसे तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो साइंस वाला ही हो गया, मेडिकल फील्ड मैंने कभी सोचा नहीं था। गाना तो ऐसा था कि स्कूल में हमेशा टीचर्स बोलते थे बहुत अच्छा गाते हो, कॉलेज में आई तो दोस्त बोलते थे बहुत अच्छा, तू किसी शो के लिए क्यों नहीं ट्राई करती है, कहीं आ क्यों नहीं जाती है, दोस्त बोलते थे अरे हम तेरे मैनेजर बनेंगे यार, तू छोड़ तू वहाँ जा, ऐसे ऐसे बातें करते थे, लेकिन वो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस तक ही सीमित था। फिर दीदी के साथ ऐसा होता था कि दूरदर्शन का था या आकाशवाणी का था तो मैं तब साथ में जाती थी इसके स्टेज उसके लिए, लेकिन ऐसे प्रॉपर म्यूजिक में आ जाऊंगी ये नहीं सोचा था। तो फिर अभी जब मैंने बताया श्रीमद् भगवद गीता की जो बात करी थी, तब से हमने साथ में जब काम करना शुरू करा। अच्छा, वहीं से किया? सिस्टर भी वहीं से आया है वो, देखो अच्छा, उन्होंने सिस्टर को नाम देने वाला भी वही हमारा। तो वहीं से शुरुआत हुई, हम साथ में अपना लोक जो परंपरागत जो हमारे गीत है वो तो हम कर ही रहे थे, साथ में जब श्रीमद् भगवत गीता जुड़ा तो फिर उप्रेति सिस्टर्स आया वहां से। और फिर सीखने की अगर बात है तो हाँ, मैं दीदी से सीखती हूँ, रोज सीखती हूँ, मेरी संगीत के मामले में गुरु वही है। तो पहली एल्बम कभी ऑफिशियली लॉन्च होगी तो टाइटल क्या, जीजा हूं तो ऐसे ये होगा? नहीं, आप क्या बिहार भेजना चाह रहे हो हमें? हम चाह रहे हैं हम लोगों को वहां से वापस लाए, आप धकेल रहे हो और उस तरह। जीजा जी को तो जीजा जी के क्लब है ना, हमारे शब्द भी ऐसे होंगे ना जो लोगों को मोटिवेट करें। हम कहेंगे वो लिखते रहे, हम उनके गीतों को संगीतबद्ध करते रहे और ऐसे प्रेरक शक्ति बन के हमारे साथ चलते। वाह, क्या बात है, ये बात, जोरदार तालियां हो जाएं यार। जोरदार, बढ़ गया, बहुत बेहतरीन। तो शो के बिल्कुल आखिरी में है दो छोटे से काम जो हम सबसे करवाते हैं, एक क्लोजिंग सॉन्ग तो आपसे सुनेंगे और दूसरा, क्योंकि ये शो जो है आनंदम के साथ हम लोगों ने मिलकर बनाया है और संगीत में जो आनंद है वो उससे बढ़िया कोई चीज़ एक्चुअली है नहीं, तो कोशिश यही रहती है गाता रहे मेरा हिल के अंदर के जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो आएँ, थोड़ी बातचीत हो, थोड़ा गायकी हो, देखने सुनने वालों को मज़ा आए, और हर शनिवार रात 9 बजे ये दिखाया जाता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके साथ या आनंदम के साथ या गाता रहे मेरे हिल के साथ? तीनों एक ही हैं, आनंदम की छाता के नीचे बैठे हैं, एक परिवार है। हाँ, वही वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा आनंदम, पहले तो काव्या जी का, क्योंकि है वो हमारे यहाँ का छन, अपन यहाँ कुना ना, अपन मैं तो कौ वाला प्यार हूँ कुना, जब कव्य से सुंदर हो, बहुत सुंदर है आप,
और आपके साथ हम आए, हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया, उसमें शब्द जुड़ा आनंदम जी। आनंदम एक वो जगह है जहाँ पर हम, मैं अभी वही जिक्र कर रही थी सर के साथ कि हम जब पहले भी, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं यहाँ टीचिंग करती थी, तो हम आनंदम में हर वीकेंड पे सैटरडे संडे हम दोनों का वहाँ पर, या तो हम खाते थे राज कचौड़ी या फिर हम खाते थे बहुत सारी चीज़ें, वो बेसन के लड्डू, वो उनका डोसा, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर परिवार साथ बैठ करके बहुत आनंद के साथ खाता है और उसमें इतना स्वाद भी है, और आपका गाता रहे मेरा हिल, तो हम आनंदम हाँ। के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आज मिलना सर लोगों से पहली बार हुआ और आनंदम जैसा नाम है वैसी अनुभूति हमें हुई, आनंद की अनुभूति उनके विचारों से, और उनसे मिलकर बहुत आनंद हुआ, और आपसे तो, और एक गाता रहे मेरा हिल, पंद्रवा एपिसोड चुना चाहिए, तेरवा पंद्रवा। तो मैं तो यही कहूँ कि 100 बटे 200 बटे चलते रहो पहाड़क आवाज बन पे, हमेशा लोग उनको मनोरंजन करते रहो और उनका भल सीख देते रहो। वाह बढ़िया। तो अब आज के शाम का आखिरी गीत कौन सा होगा हमारे देखने सुनने वालों के लिए, ओहो रेडियो के श्रोताओं के एक लिए? एक गीत है जो हाँ। हमारा परिचय गीत आप बोल सकते हैं हाँ। जिसमें आपको हमारे गाँव, हमारे शहर का, हमारे राज्य का जिक्र जिसमें होगा। पहाड़ पराड़ी मेरी पहाड़ों के बान में, पहाड़ पराड़ी मेरी पहाड़ों के बान में, उत्तराखंड देव भूमि वट पराण में, उत्तराखंड देव भूमि वट पराण में, ओ मेरो जिल्लायु प्यारो पिथौरा गजबी कर दिया यार। तो यो हवा चलनी रो हाँ। इसी के बगनी रो हाँ। वो उच्च हिमाल बठे निकल बेर, गाढ़ गध्यारान बठे निकल बेर, उत्तराखंड बठे निकल बेर, यहाँ नदी सब सींच बेर, पूर भारत वर्ष बठे समय बेर, हमर वसुधैव कुटुंबकम, यो हमर जो सोच छ, हमर जो भावना छ, ये के समस्त विश्व में लहराते रहो। हम यो ही सबूं थे प्रणाम कर बेर, आशीर्वाद लक लीनू कि यो प्रेम स्नेह अपना तो आप सब लोगों को हमर प्रति, हमर पहाड़क प्रति, हमर हिमालय प्रति बनी रहो। जय देव भूमि उत्तराखंड। वाह, शायद इसीलिए कुछ समय पहले मैंने भी कुछ लिख दिया था कि ये वो पहाड़ हैं जो एक तरफ तो स्वाभिमान से तन्ना सिखाते हैं, दूसरी तरफ पथरीले रस्ते हैं जो जीवन में संभल के चलना सिखाते हैं, कि चार धाम खुद में समेटे ये धरती, हमारे पुरखों की मिट्टी है यहाँ, माँ की ममता की सच्ची परिभाषा किसी फौजी की चिट्ठी है यहाँ, कि पीते बुराश का शरबत घी का त्यौहार है यहाँ, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी कई संस्कृतियों का प्यार यहाँ, बुलाते हैं हेमकुंद साहिब चले आओ पहाड़ों पर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर। तो क्योंकि आप कंपोजर भी हैं, आपको कंपोज करनी होती है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, तो कैसे करते हो प्रीति सिस्टर्स? गाता रहे मेरा हिल।
इसी तरह आप तक पहुंचता रहेगा। और कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कलाकार हैं उनको आप देखना सुनना चाहते हैं जरूर उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज की ये बातचीत कैसी लगी, प्रोग्राम कैसा लगा उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। वो लोग पढ़ेंगे और अगली बार जब आएंगे तो फिर हम उनको बताएंगे, उनसे और सवाल करेंगे आपके। गाता रहे मेरा हिल या आनंदम की पेशकश हो रेडियो के यूट्यूब चैनल पर उत्तर का उत्तर पर आप इसको देखते हैं और साथ ही आनंदम के यूट्यूब चैनल पर भी देखिए। बहुत सारा प्यार इसी तरह देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अबू पे, थैंक यू। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल में आनंद।